जिन्हें अपनी गैरत ले सिर लवा दिता सी। जब आप पर एक तनाव और दरख्त मौजूद हो तो उसके नीचे खुद की नशनुमा करना और अपने आप को मनवाना बहुत मुश्किल होता है। अदाकारा गोरी की मिसाल भी ऐसी ही है, जिन्होंने अपनी बहन अंजुमन की मौजूदगी में शोबिज में अपना नाम पैदा किया। ताहम ये जरूर है कि अगरचे वो अंजुमन की तरह शोहरत तो हासिल न कर सकी, लेकिन एक काबिल जिक्र मकाम जरूर हासिल किया। कि पानी कितना गहरा है, मैं गलत नहीं। अब मुझे डर है वो कहीं तुम्हें बताए बगैर अपने जख्मों का हिसाब लेने दुश्मनों के दर... गोरी अपनी अदाकारी से ज्यादा अपने हुसन, सफेद रंगत और बेहतरीन रकस की वजह से ज्यादा मशहूर हुई। वो 14 सितंबर 1965 को मुल्तान में पैदा हुई। वो फिल्म स्टार अंजुमन की सगी बहन है। गोरी का असल नाम गोहर अफरोज था, लेकिन गोरी रंगत की बदौलत गोरी कहलाई, जो उनका फिल्मी नाम बन गया। जागीरदा हिस्सा समझ बैठा थी, पर मैंने एदी जान कर लिए तेरी इज्जत ऐसा नाड़ी भी ना बन कितने तनु समझाने गोरी ने मुल्तान में हासिल की। फिर उनकी फैमिली लाहौर शिफ्ट हो गई और मैट्रिक गोरी ने लाहौर में किया। गोरी ने जिस वक्त शहूर की उम्र में कदम रखा, उसकी बहन अंजुमन एक कामयाब अदाकारा बन चुकी थी, इसलिए बहन को देखते हुए शौक अदाकारी उस पर भी गालिब आ गई। उसके फिल्मी सफर का आगाज 1979 की पंजाबी फिल्म हथियार से हुआ। इसके बावजूद उसे मजीद 2 साल इंतजार करना पड़ा और 1982 में डायरेक्टर नजर शबाब ने अपनी उर्दू फिल्म जरा सी बात में गोरी को कास्ट किया। मोहम्मद अली, शबनम, मुमताज और वसीम अब्बास जैसे स्टार कास्ट पर मबनी कामयाब गोल्डन जुबली फिल्म देने के बावजूद गोरी का कैरियर आगे न जा सका और वो सपोर्टिंग रोल ही करने पर मजबूर थी। बेहतरीन अदाकारी, शानदार रकस और खूबसूरत चेहरे के बावजूद गोरी के सुपरहिट न होने की एक बड़ी वजह शायद उसकी बहन अंजुमन भी थी, क्योंकि 80 की दहाई में अंजुमन और सुल्तान राही की जोड़ी ने पंजाबी फिल्म बीनों को पागल कर दिया था और बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर रही थी। और हिदायतकार और फिल्म साज अपनी फिल्मों में अंजुमन और सुल्तान राही को ही कास्ट करना चाहते थे। ऐसे में नए चेहरे गोरी को कास्ट करना सरासर घाटे का सौदा था। सोत्रेसी में गोरी की दो फिल्में रिलीज हुई, जिनमें इंसाफ का तराजू में वो बदर मुनीर की हीरोइन थी, जबकि दूसरी फिल्म दुश्मन प्यारा थी जिसकी मेन हीरोइन उसकी बहन अंजुमन थी। इंसाफ का तराजू की हिदायतकारा वहीदा खान थी और ये बतौर हीरोइन गोरी की पहली फिल्म थी। 1984 में गोरी सिर्फ एक पंजाबी फिल्म चन चीता में नजर आई, जबकि मरकजी किरदार अंजुमन और सुल्तान राही ने अदा किए थे। गोरी ने महसूस किया कि उसे सफेउल की अदाकारा बनने के लिए किस्मत की धनी होने के साथ साथ सख्त जदोजहद भी करना पड़ेगी, क्योंकि उसके रास्ते में उसकी अपनी बहन अंजुमन की शोहरत और कामयाबियां हाइल थी।
1985 में भी गोरी की सिर्फ एक फिल्म हिदायतकार अल्ताफ हुसैन की सोशल फिल्म निकाह रिलीज हुई। इस फिल्म का मौजू कम उम्री की शादी थी। फिल्म के मरकजी किरदार अंजुमन नन्ना और अली एजाज थे। इस फिल्म में गोरी पर दो दिलकश गीत भी अक्स बंद हुए, जिस पर गोरी का रकस कमाल का था, क्योंकि वो अपनी बहन अंजुमन की तरह एक बाकमाल रकासा भी थी। 1986 में गोरी तीन फिल्मों मेला, अंधा कानून और अकबर खान में नजर आई, लेकिन ये साल भी अंजुमन के नाम रहा। और मेला में जबरदस्त किरदार निगारी की बदौलत अंजुमन की शोहरत और अजमत के डंके इंडिया में भी सुने गए। अंधा कानून में गोरी की जोड़ी एक बार फिर गुलाम महीउद्दीन के साथ थी। 1987 में गोरी की कोई फिल्म रिलीज न हो सकी। अलबत्ता 1988 में उसकी दो फिल्में अल्लाह दित्ता और हुकूमत मंजर आम पर आई। ये पंजाबी फिल्मों का सुनहरा दौर था और अंजुमन नादरा नीली मुमताज जैसी सुपरस्टार के होते हुए गोरी को सख्त मुकाबले का सामना था। 1989 में गोरी का अरूज शुरू हुआ और वो हर साल सात सात फिल्मों में नजर आई, जिनमें नागिन जोगी, सुपर गर्ल, मोहब्बत हो तो ऐसी, उजरत, तेजाब, हिफाजत और शेर दिल काबिल जिक्र है। नोट मेरे पास है। इस हीरो के लिए नजर हमारे पास है। के फिल्मी कैरियर में 1991 का साल सबसे बेहतरीन रहा, जब एक साल में उसकी सबसे ज्यादा 12 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें हसन अस्करी की गंडासा, हिदायतकार नासर हुसैन की मस्तान खान और हिदायतकार हैदर की शूका में सुल्तान राही के साथ मंजर आम पर आई। इन तीनों फिल्मों में सुल्तान राही के साथ उसके मरकजी किरदार थे। ये वो दौर था जब अंजुमन का कैरियर बढ़ते जिस्म और निजी जिंदगी की तलखियों की बदौलत जवाल पजीर हो रहा था। इसलिए गोरी को सामने आने का मौका मिला। 1992 में उसकी 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें सात फिल्मों में वो सुल्तान राही की हीरोइन थी, जिनमें शेरा पांडी, चक्का, तराजू, अगदे गोले, सावल, डिप्टी और पतन शामिल है। इस दौरान मार्केट में नए चेहरे आना शुरू हुए और शान रीमा की जोड़ी भी सुपरहिट हो गई। इसलिए गोरी की मार्केट वैल्यू कम होना शुरू हुई, जिसकी बदौलत 1993 में उसकी सिर्फ तीन फिल्में ही रिलीज हो सकी, जिनमें रोशन जट, कटवाल, फकीरा शामिल है। फकीरा में उसकी जोड़ी और मरकजी किरदार सुल्तान राही के साथ थे। 1994 में भी उसकी तीन फिल्में रिलीज हुई, जिनमें उसके किरदार सेकेंड हीरोइन के थे। ये फिल्में शेर पंजाबदा, सारंगा और जिद्दी गुज्जर है। और ये साल गोरी का फिल्मी दुनिया में रूप रहना का आखिरी साल साबित हुआ। 1995 में उसकी एक फिल्म कलंदरा और 1996 में एक फिल्म चौरादा शहनशाह में सुल्तान राही के साथ मरकजी किरदारों में नजर आई। साल 2003 में गोरी की आखिरी फिल्म खर दिमाग गुज्जर रिलीज हुई और यूं गोरी का 24 साल कैरियर अख्तिताम पजीर हुआ। दोस्तों, इस तरह की मालूमाती वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।